हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रदूषित पानी के नदी में प्रभावित पर रोक की मांग, प्लान नहीं मानकों के अनुरूप। विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे एवं किसान नेता महावीर सिंह राजपुरोहित सुकरलाई की अगुवाई में किसान पर्यावरण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात कर बांडी नदी एवं नैड़ा बांध में प्रभावित हो रहे प्रदूषित पानी पर रोक लगाने एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों की पालना कराने की मांग की। किसानों ने जिला कलेक्टर को बताया कि एनजीडी ने उद्योगों एवं सीईटीपी से बांडी नदी में ट्रीटेड और अनट्रीटेड पानी के प्रभावित करने पर रोक लगा रखी है, उसके बावजूद प्रदूषित पानी लगातार नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही सीईटीपी 6 भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है और उससे भी निकलने वाला ट्रीटेड पानी जो कि एक तरह से प्रदूषित ही है वो भी बांडी नदी में बहाया जा रहा है। ये एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना है। प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को बांडी नदी एवं नेहड़ा बांध का अवलोकन करने और प्रदूषण समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। जिला कलेक्टर ने किसानों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन इसको लेकर गंभीर है, एनजीटी के निर्णयों की पालना कराई जाएगी, शीघ्र ही ZLT प्लान का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वे शीघ्र ही बांडी नदी एवं नेहड़ा बांध का जायजा लेंगे। इस दौरान समिति अध्यक्ष पुखराज पटेल, उपाध्यक्ष गंगाधान चार, पूर्व जिला परिषद सदस्य जोगाराम सोलंकी, वागाराम विशोई, गिरधारी सिंह राजपुरोहित, लक्ष्मण राम पटेल, नाथूराम गढ़वाड़ा, अमरा राम पटेल, रूपा राम पटेल, राणा राम मालवा भी साथ मौजूद रहे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए महावीर सिंह इन्होंने ये कहा। प्रदूषण की समस्या आप लोगों को विदित है कि बसों से पाली में चल रही है और एनजीटी के डायरेक्शन के बाद में काफ़ी हद तक इस पर कुछ काम भी शुरू हुए हैं। ZLD के लिए भी सरकार ने और एनजीटी ने डायरेक्शन दिए, लेकिन किसानों का और हम सब का मानना है कि अभी तक भी बांडी नदी के अंदर, नेहड़ा बांध के अंदर लगातार प्रदूषित पानी प्रवाहित हो रहा है। किसानों की मांग है कि प्रदूषित पानी को तुरंत प्रभाव से रोका जाए और बारिश की सीजन आ रही है, नेहड़ा बांध में साफ पानी होगा और अगर प्रदूषित पानी को नहीं रोका गया तो नेहड़ा बांध में जो साफ पानी आएगा वो भी पूरा खराब होगा। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।